12 अगस्त को देश भर में बकरा ईद मनाई जाएगी। बकरा ईद कुर्बानी का त्यौहार है। बकरा ईद को ईद उल अजहा या ईद उल जुहा के नाम से भी जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये त्यौहार हर साल जुलहिज के महीने में लोग मनाते हैं। आपको बता दें कि इस्लामिक कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से थोड़ा छोटा होता है। इसमें अंग्रेजी कैलेंडर से 11 दिन कम माने जाते हैं। जिन लोगों के घर में बकरा पालन हो रहा होता है वे अपने प्रिय बकरे की कुर्बानी देते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर में ऐसा नहीं होता और वो कुर्बानी देना चाहते हैं तो उन्हें कुछ दिन पहले बकरा खरीद कर लाना होता है ताकि उस बकरे से उन्हें लगाव हो जाए। बकरा ईद के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग एक विशेष नमाज अदा करते हैं। इसके बाद बकरे की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के बाद बकरे का मीट 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मीट के इन 3 भागों में एक भाग गरीबों के लिए, दूसरा भाग रिश्तेदारों में बांटने के लिए और तीसरा भाग अपने पास रखा जाता है। जानवरों से जुड़ी भी कई बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर कुर्बानी दी जाती है। हर किसी जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। सभी के जहन में ये बात आती है कि इस दिन बकरा, ऊंट आदि की ही कुर्बानी क्यों दी जाती है, शेर या चीते की क्यों नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। आपको बता दें कि इस्लाम में वो जानवर हराम किए गए हैं जिनके पंजे और नाखून होते हैं और जो आदमखोर या गोश्तखोर यानी मांसाहारी होते हैं, मिसाल के तौर पर शेर, लोमड़ी, सियार और चीता वगैरह। इसके अलावा गैर मांसाहारी चौपायों में भी वही जानवर हलाल करार दिए गए हैं जिनके खुर फटे हुए हों, मिसाल के तौर पर बकरा, ऊंट आदि। आपको बता दें कि इस्लाम में उन परिंदों को भी खाए जाने की इजाजत नहीं है जो शिकार कर अपना पेट भरते हैं और पंजों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऐसे जानवर जो हलाल तो हैं पर वे जंगली हैं, उनकी भी कुर्बानी नहीं की जा सकती। ऊंट, दुम्बा, बकरा जैसे पालतू चौपायों की ही कुर्बानी बकरीद के मौके पर दी जा सकती है। आइए आपको बताते हैं कि इस्लाम में कुर्बानी की प्रथा कैसे आई। पवित्र कुरान में जिक्र किया गया है कि अल्लाह ने करीब 3 दिनों तक हजरत इब्राहिम को ख्वाब के जरिए अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान करने का हुक्म दिया और हजरत इब्राहिम को उनके बेटे हजरत इस्माइल बेहद प्यारे थे। हजरत इब्राहिम ने यह किस्सा अपने 14 साल के बेटे हजरत इस्माइल को बताया कि अल्लाह ने उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया है। इब्राहिम की यह बात सुनकर हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म का पालन करने को कहा और अपने पिता के हाथों कुर्बान होने के लिए राजी हो गए। हजरत इब्राहिम को 80 साल की उम्र में इस्माइल के रूप में औलाद नसीब हुई थी। हजरत इब्राहिम के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देना एक बड़ा इम्तिहान था जिसमें एक तरफ अल्लाह का हुक्म था तो दूसरी तरफ बेटे की मोहब्बत। बेटे को कुर्बान करना हजरत इब्राहिम के लिए आसान नहीं था। बेटे को कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं कहीं आड़े ना आ जाए इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और बेटे पर छुरा चलाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बेटे पर छुरा चलाया तो अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक दुम्बा भेज दिया और हजरत इस्माइल की जगह दुम्बा कुर्बान हो गया। तभी से हर हैसियतमंद मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब हो गई। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि अल्लाह ने जो पैगाम हजरत इब्राहिम को दिया वो सिर्फ उनकी आजमाइश कर रहे थे ताकि ये संदेश दिया जा सके कि अल्लाह के फरमान के लिए मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। अमर उजाला .com